बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक हैं। आज के नए व्लॉग का करते हैं आगाज़, और आपने बहन भाई रहना हमारे साथ साथ, तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह खिलते रहें। तो यहाँ पे जी रुकिया सिस्टर जी नाश्ता वगैरह बच्चों को सबको करवा दिए, और बच्चे स्कूल भी चले गए हैं, रुकिया सिस्टर के भी और मेरे बच्चे भी, दोनों तीनों बल्कि तीनों फैमिली के बच्चे स्कूल गए हैं। चाटी जान के बच्चे भी, आपके बच्चे भी और मेरे बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। तो अब जी यहाँ पे जी बिस्तर वगैरह की तह की जा रही है, कपड़े वगैरह जो परसों धोए थे किटली बांध के रख दो। हाँ जी हाँ सही है, मैं भी ऐसे ही करूँ। सही है ठीक है जी। और जी टूवल भी चल चुका है हमारे विलेज में, सारे बात है पानी वगैरह खेतों में देना होता है जी जी तो खेतों वगैरह में पानी लगेगा। सही है सही है। और आपकी तबीयत ठीक है, दवाई वगैरह खाई से आराम आया? चलो शुक्र है सही। अब ये अपना घर का काम वगैरह करते हैं, झाड़ू बर्तन जो होता है हमारा रूटीन का रोज़ का। हाँ जी सही करा आपने, ये पेटी को छाड़े वगैरह धो लेने साफ तय हो गया। हाँ जी हाँ जी इंशाल्लाह फिर सही है। ये रोज़े भी रखेंगे इंशाल्लाह, अपना जो काम जिम्मेदारी का वो काम भी करेंगे सारे, यानी कि सब मिलजुल के सब काम करेंगे। सही है चलो फिर ठीक है। अभी ये चीज़ें वगैरह समेट लो, फिर मैं भी जाती हूँ बर्तन वगैरह इकट्ठे करती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ जाके। सहन की जहाँ पे ईंटे वगैरह बिछा रखे हैं, रुकिया इस सहन की रुकिया सिस्टर ने सफाई वगैरह सारी कर ली है। तो आप ये रह रही है कच्चे सहन की, तो यहाँ की अब सफाई वगैरह करने लग रही है। इधर भी कूड़ा वगैरह इकट्ठा करा हुआ, तो जब सारा यानी कि कूड़ा वगैरह इकट्ठा करके फिर उठा के ना बाहर फेंक देगी। तो अभी मैंने भी अपने सहन की सफाई वगैरह भी करनी है, तो जैसे रुकिया सिस्टर फारिक हो जाएंगी उसके बाद फिर मैं कर लूँगी सहन की, क्योंकि मैंने बिस्तर वगैरह सारे संगा लिए, बर्तन वगैरह भी इकट्ठे कर लिए, फिर सफाई वगैरह करके फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धो लेंगे। और टूवल भी चलने लग रहा है विलेज में, पानी लगने लग रहा है उधर सामने की तरफ। हाँ जी हाँ जी क्या आया क्या हुआ चुप। माशाल्लाह जी मौसम भी बिल्कुल खुशक और ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग रही है। हाँ जी हाँ जी और मोहम्मद इनाम भी आ गया। क्या इनाम किसने मारा, भैया ने मारा? अच्छा मारूंगा, वो अग्गे कग्गे गया। अच्छा चल कोई नहीं चल कोई नहीं। रुकिया सिस्टर ने सारे धो लिए, सहन की सफाई वगैरह भी कर ली है, और अब जी नलके में पता नहीं अब क्या धोने लग रही हैं। अभी जा रहे थे बर्तन अभी आपके? हाँ जी कटोरियाँ उतरी में फालतू मैंने कप पर रखी छत्ती पे। हाँ जी कोई आ ही जाता है अचानक में। अच्छा अच्छा इस्तेमाल में तो जरूरत होती है ना। सही है ठीक है चलो धो लो आप, मैं भी जाके बर्तन धोती हूँ। जूना फारिक हो गया? हाँ जी फारिक हो गया। तो घर का हमने सारा काम वगैरह हमने कर लिया है, तो हमने कहा बस बैठे हुए बोर ही बोर होने लग रहे थे, तो चल कर बंदे बाहर जाए। और यहाँ पे ये इतना यानी कि गिली करी हुई है, सलाबी सलाबी मुझे लग रहा है। यहाँ पे ना भाई कह रहा था यहाँ पे ना वो लगाऊंगा क्या, नहीं टमाटर नहीं टमाटर तो उस साइड पर लगे, यहाँ पे पिछले साल लगे थे टमाटर उस साइड पर उस जगह पे लगेंगे। यहाँ मुझे लग रहा घास वगैरह लगाएगा भाई। हाँ अभी ये देखो छापर वगैरह, एक छापर हटा दिया और अभी ये दूसरा छापर हटाएंगे। जो टमाटर की पनीरी है ना वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। चलते हैं आगे की तरफ। ये छापर वगैरह दूसरा हटा दिया और अभी ये सीधा करने लगे, ताकि ऐसे हवा लगे खुश हो गए, फिर उठा के रख देंगे। छोटी छोटी पनीरी है माशाल्लाह टमाटरों की, बिल्कुल देखो ऊपर नाल पड़ा हुआ है उस पर, हल्का हल्का सा ना पानी से पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता काफ़ी दिन मुझे लग रहा है ना खराब हो जाता है। इधर भाई भी बैठे हुए हैं, गायें भी हमारे सामने बैठी है, धूप वगैरह सेकने लग रही है, क्योंकि आपको पता अब अच्छी तरह दो दिन हो गए ना अच्छी खासी धूप निकलने लग रही है। देखो अल्लाह ताला की कुदरत, देखो छोटे छोटे हैंगे और उसके अंदर घास देखो कितना हो गया है। हाँ जी बड़ी मेहनत करी, खाद डाला है पानी डाला है फिर से ढक के रखा है, इसकी हिफाजत करी है भाई ने, फिर हिफाजत करने के बाद अल्लाह ताला ने फल दे दिया। हाँ जी फिर टमाटर टमाटर इतने फिर खूब टमाटर खाएंगे यार, खूब घास हो जाएगा इसके पीछे। सही
सही है, अच्छी लग रही छह चट्टी ना। ये पता नहीं काफी, मैं एक पता नहीं कितने में, काफी सारी जगह होती है उसमें ये सारी यानी कि टमाटर की एक पनीर। एक भी एक एक पौधा लगाते हैं हाँ लोग, जी, फिर एक ही पौधे में कई टमाटर निकलते हैं, कई टमाटर निकलते हैं। 20 25 40 इतने होते हैं एक हाँ पौधे जी, में। हाँ जी, आखिर इन्हें फायदा है तो ये करने लग रहे हैं, अगर सही फायदा बात ना है। होता आगे जो है इनमें ना। टमाटर भी होता है ना, बढ़िया के टमाटर चले गए ना, हम तो खुश रहते, मैंने कहा भाई यहाँ पे लगाएंगे, मगर भाई कहते मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, घास लगेगी, उस यहाँ भी घास ही लगती है, घास ही यहाँ लगेगी। कुछ भी नहीं लगता। चलो फिर चलते हैं घर, छोटी छोटी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हरियाली जी ना। मोहम्मद ही नाम कहने लग रहा है और बिलाल को आवाज़ लगाने लगा, अभी ओए करके बुला रहा है। और यहाँ पे जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी अम्मी जान आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम मेरी बेटी, उम्मीद दोनों ठीक ठाक हो, खैर खैरियत है। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक हैं। यहाँ पर कोई ऐसे बैठे हैं, यहाँ पे शौकत भाई लेटे हुए हैं, अभी शौकत भाई से के बाद पूछे तो शौकत भाई फौरन लेट गए हैं, बताते हुए शर्म आ रही थी, है ना हाँ रिक्वेस्ट। जी, मुझे अगर कोई चीज लगती है अम्मा जी, मन का हाँ जी मैं कहती हूँ बात, वो अच्छा एक पता नहीं कोई चीज होगी ना, करा हाँ दो तो करेंगे, हाँ मन का पता नहीं कौन सी जगह बताओ तो लेट गया। वो पता क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे हमारी कुत्ती सोई है। मेरे पास तो आप भी दो डॉगी हैं मेरे पास, हैंगे हाँ जी अच्छा चिट्टे, अच्छा और अम्मी जी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी बस कमर में दर्द होता है और तो ठीक है। अच्छा फातिमा को पूछने गई थी तो सर के थोड़ा मल्ला निकल रहा है, बड़ा सर ओए, में बड़ा ओए, 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 बेचारे के अभी सही नहीं हुआ अभी नहीं सही होया, दम बस। भी रखती रही वो भी करती रही, कल मेरा दिल ही नहीं करता, मन का मैं कल ही आ जाती पीछे, उसे देखा ना टेंशन बड़ी हुई, फिर मैं बस नहीं आ सकी, अच्छा करा, बहुत मन अच्छा का चलो करा कोई बात बेटे। नहीं, वो अभी बच्ची है हाँ कि जी अच्छा मैं नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाओ, आज भी नहीं आऊ देती बुढ़ी हो मुझे, गई बच्ची है तो। मन का नहीं ना जाओ भाईजान भावे औलाद ना बुढ़ी भी हो जाए बुढ़ी ना, हो जाए माँ बाप के बुढ़ी, लिए ना औलाद छोटी रहेगी, क्यों सही क्या सिस्टर। सही बात है, हाँ हाँ भावे दो तो पोतो वाली हो जाए, मार वास्ते बच्ची है बच्ची है, सही बच्ची बात है, औलाद औलाद चीज़ ही है। ऐसी चीज़ बेचनी जी। कुछ बेचनी हाँ भाईजान कह रहे हैं बेचनी नहीं, है। हमने नहीं बेचनी, अल्लाह जी से बेर के उसे बच के करा। आमीन आमीन सुमा आमीन। ठीक है और मैं ठीक है, वो महेश बेटा घर ही थी या हमने सुना चावल खा के आओगे तुम तो खा खा के लिया था अम्मी हमने, जी, महेश बेटा चावल बना रही थी अम्मी जी खा के, चावल फिर खा आई के हैं। आया हम, अहमद अली भी लेने गया था आपको, हाँ आपने जी कॉल करी थी। वो, हाँ जी अच्छा वो कल से कभी करी हुई थी, वो तो कब का आ गया, पकाए भी रखे भी थे, बस मसाला भी नहीं बनाया था, वो अच्छा पहले चला गया था, लकड़ियां गिली हैं नहीं, आग नहीं चली गई बल्ले थी, हाँ बहुत जी हाँ जी टेंशन, शापरों से बाल बाल के आग बाल ली है, बस लकड़ी हर जगह ना गिली मिलने लग मुझे रही क्या हैं। मैं बस मैं उतार के चला गया, मैं देर हो गया बहुत, मन का ठीक अच्छा है उसका क्या आ जाता, चल चाय वगैरह बना ले पी लेता, चल बस चला गया घर से। ए, मुझे बताते मैंने जाना था। ओ बस इतनी ज़्यादा निकली हुई है और सूरज बहुत तेज़ लगने लग रहा है, और जी दोपहर का टाइम हो चुका है और बच्चे भी स्कूल से हमारे आ गए हैं माशाल्लाह से, और यहाँ पर जी दोपहर की रोटियाँ रुके ऐसे बनाने लग रही हैं, क्योंकि अम्मी जान को हमने क्या खाना, हाँ जी अम्मी जान को हमने कहा आप खाना खा लो, अम्मी जान कह रहे नहीं मैं ना बारी फातिमा के घर से खाना खा के आई हूँ, मैंने कहा चलो फिर ठीक है, फिर बस जैसे आप रोटी बन, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर उसके बाद आग जलाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, बच्चों ने भी शोर कर दिया आते के साथ ही, सही है। चलो ठीक है फटाफट रोटी बना लो, भाई 4 5 ही हैं अभी बन जाएंगी, मैं आपके हाथ ये पत्ती लगवाती हूँ ताकि फटाफट ना रोटी बन जाए, सही है। हो गया और सूरज भी अब काफ़ी यानी कि मंदम हो गया, और सामने ट्यूबवेल मुझे लग रहा चलने लग रहा, आवाज़ आ रही होगी, और यहाँ पे जरूर कोई ऐसे सर जी शाम की रेसिपी की तैयारी करने लग रही हैं, प्याज यहाँ पे बारीक बारीक काट दिए हैं, और अब काटने लगे हैं टमाटर, और अदरक भी यहाँ पे छील के रख दिया है, और भाईजान भी यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जमीन जान भी बैठी हैं, और यहाँ पे मैंने आलू वगैरह भी छीलने लग रही हूँ, आलू वगैरह पकाने हैं, और रुपया सिस्टर पता नहीं क्या बनाने लग रही हैं, आप क्या बना, अच्छा सेवियाँ बना रही हूँ मिर्चें वाली, अच्छा अच्छा और जी अम्मी हाँ जी मैं तो ठीक कह रही है, मैं आप इधर सुबह को चले जाना, नहीं बैठे बस कल की आई हूँ बस, घर भी तो अच्छा सोचना पड़ता है ना घर का अच्छा भी, अभी हमने सिस्टर की कॉल आई हुई थी, अम्मी जान से बात कर रही थी, हाँ उससे जी थोड़ी देर पहले भाई सदीक आए थे, भाई सदीक भी यानी कि हमने सिस्टर का व्लॉग बना के गए हैं, और हमने सिस्टर ने अम्मी जी का व्लॉग बनाया मोबाइल में हाँ ही। जी क्या सियासदान आ गया हाँ है जी हाँ ना सही हमें, बात ना, स्त्री ने भी उसका बनवाया ना मेरा बनवा हाँ लिया, जी सबका सही है, बनवा लिया, देख सबका बन गया, यानी कि दूर दो दूर बैठे हैं बस काम हो जाता काम है, अपना हो रहा है। हाँ जी अल्लाह मियाँ सबकी अल्लाह मियाँ लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी आमीन दे। तो यहाँ पे मोहम्मद इनाम को देखो जी शीशा खेलने लग रहा है, अभी शीशा लेती हूँ, अभी से थोड़ी देर पहले बिलाल ने शीशा तोड़ दिया, आमीन।
तोड़ दिया बस बच्चा है ना वो नीचे गिरा वो टूट गया। अब इना मुझे दिखाओ ये शीशा, मुझे दिखाओ अभी लेती हूँ उससे। अम्मी जी आप ले लो इसे, आपको दे देगा मुझे नहीं देगा, मैं लूंगी ना फिर रोएगा। बच्चा है ना। हाँ जी सही है। और गाय को भाई आपने चारा वगैरह मिला दिया, खाने लग रही है? अच्छा सही है, चलो ठीक है फिर अम्मी जी मैं आलू छील लेती हूँ फिर अपना खाना खा के चला जाना। क्या पकाना यहीं खा जी? हाँ जी अच्छा जी अच्छा जी लेती हूँ आपको। पापा ने सारी सफाई वगैरह कर दी है और कबूतरों को भी खोल दिया और दाना वगैरह भी डाल दिया वहाँ पे। मोहम्मद इनाम जी कबूतरों को साथ करने लग रहा ताकि यानी सारे रन मिल के दाना वगैरह खाने पानी वगैरह पी। गाय बांध दी है अभी से चारा वगैरह डालने लग रहे हैं तो वहाँ पे ये मुनीब के पापा आ रहे हैं, वो भाई आए हुए थे उनके, मुझे लग रहा है घास वगैरह उन्हें इनके साइकिल मोटर पर लोड करके दिया। और अब जी ये क्या डाला जा रहा है? खली। जानवर भी देखने लग रहे हैं जल्दी जल्दी हमें खल डाल दे और मिल जाए। अच्छी तरह वो कर लिया भाईजान जी। ये भूस थोड़ा नहीं है? नहीं बच्चों को नहीं डालना फिर बहुत है। अच्छा सही। मुनीब के पापा के बना लिए तो अबूजी को भी दे दिया, मुनीब के पापा को दे दिए। और यहाँ पे रिक्विया सिस्टर ने जी अपनी ये शाम की रेसिपी की तैयारी कर ली है। लो चाय चाय पी लो मैंने रखी है मेरी ओचे। तो मिसाला वगैरह यहाँ पे जी अच्छी तरह बुनाई वगैरह कर ली है। ठीक है आज मिसाला इतना कम। अच्छा वो सीमे की वजह से? अच्छा 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 बहुत ही बारीक सेमी है ना जी। बस बारीक है ना। हाँ जी जरा सी होती है। हाँ ये तो ज़रा सी होती है। अरे ये बारीक भी बहुत है। ये तो ना मीठी दूध में बना ना बड़ी मज़ेदार बनती है। ईद पे बनाएंगे इंशाल्लाह, ईद पे बनाएंगे। ज़िंदगी रही तो रोज़े भी रखेंगे और मीठी सेमी बनाएंगे। आपको पता यही तो होती है मीठी मीठी चीज़ बनती है। सही है। और शौकत भाई ठीक हो? तबीयत ठीक है ना? चलो माशाल्लाह। चलो ठीक है आप बना लो फिर मैं भी चाय पी लेती हूँ जाके अपना सालन वगैरह बना लेती हूँ। रुकिए सिस्टर ने पानी वगैरह डाल दिया था तो पानी में खद्दा भी लग चुका है तो अब डालने लग रही हैं सेमियाँ यहाँ पे माशाल्लाह जी। और मोहम्मद इनाम कह रहा है मुझे सेमियाँ दे दो। चलो जी और मगरिब का टाइम हो गया और अजानें भी शुरू हो गई हैं तो बत्तियाँ वगैरह भी जला देते हैं। जाओ काके बैर की बत्ती जला के आओ। सर्दी हो रही है? नहीं हो रही। अच्छा सर्दी खत्म हो गई है। टेंशन आ गया बारिश आ गया फिर सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। एक झटका दे जाएगी सर्दियाँ। हाँ जी हाँ जी सही बात है सही बात है सही कह रहे हैं। बस इसी हल्के हल्के आँच में ये सही में गल जाएंगी। वैसे भी गलने की आई तो है ही बिल्कुल बरीक बरीक है ये तो बाप में भी गल जाएंगी। सही है चलो ठीक है फिर आप भी आटा वगैरह गूँध लो मैं भी आटा गूँध लेती हूँ। मैंने आलू की बुनाई कर दी है तो अब जाके आटा गूँधती हूँ जाके। कबूतरों को भी ढक दिए क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और अब्बू जी यहाँ बैठे हैं और वहाँ पे चाचा जी आने लग रहे हैं। बिल्कुल ही शाम हो गया है मगरिब के दाने भी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे ये दोनों जानवरों को हमने चारा वगैरह डाल दिया है माशाल्लाह जिसने सारा खा लिया माशाल्लाह जी रज गई है माशाल्लाह। उसे भी डाल दिए वो भी खाने लग रही है। आलू की मैंने चार बनाई करके तो हल्का सा पानी डालते ताकि मैंने कहा आलू भी जितना गल जाएंगे और सालन भी अच्छा बन जाएगा तो उसके बाद बस पानी डाला। मैंने कहा हल्के आँच में ना आलू वगैरह गल जाएंगे क्योंकि कुछ आलू बना रही ना कतीनों वाले तो बस यहाँ पर पटा पटाटा मोल लेती हूँ और फिर उसके बाद जाके इस तरह भी आटे बना जाएगी। उसके बाद आके मैं रोटी जाके बना लूँगी। तो अम्मी के बस काफ़ी देर बैठी रही हैं। पहले बारी फातिमा की तरफ गई थी फिर वहाँ से वो के भेज हमारी तरफ आई हैं तो दिल लग गया था। दिन भी हमारा इतना बोर गया ना बहुत ज़्यादा बोर ही गया बस। ये अम्मी जी आ गए फिर ज़रा ना रौनक मेला में लगने लगी ज़रा। चलो अम्मी का भी टाइम पास हो गया हमारा भी टाइम पास है। हम तो अम्मी जी को रोक रहे थे अम्मी जी कह रही हैं मैं ना घर चली जाती हूँ। चलो ठीक है सर आपकी जैसे मिल रही है अरे अच्छा कोई नहीं फिर एक दो दिन में फिर आ जाएंगे। चलो ठीक है वैसे अम्मी जी की खुशी है वैसे हमारी खुशी है। सेमी वगैरह भी तैयार कर लिए हैं तो अब जी
आटा मैंने गूंद लिया वहाँ पे, आटे एक कनी मर चुकी है। अब पत्ती वगैरह रखते हैं, रोटी बनाते हैं। और ये बिल्कुल ही शाम का टाइम हो चुका है और व्लॉग भी माशाल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ। मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। इना बाय बाय कडो, बाय बाय। हाँ जी चलो जी, बाय बाय।